आज सवेरे लगभग 11 बजे हम सासाराम में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए निकल रहे थे, तो मेरी गाड़ी जिससे मैं चलता हूँ उसका ड्राइवर को हम बोले कि तेल ले लो तो हम निकलेंगे। रास्ते में हमको भोजडी गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए हिस्सा लेना था, तो फिर हमारे हुआ कि एक दूसरी गाड़ी थी हमारे पास जो कहीं अलग गाड़ी जिससे मैं नहीं चलता हूँ, उस गाड़ी से मैं भोजडी तक निकल गया और अपने ड्राइवर को कहे कि तेल लेके तुम पीछे से भोजडी गांव आओ। वो लड़का 11 बजे तकरीबन पटेल चौक से आगे बढ़ा होगा, तकरीबन 1-5 मिनट आगे पीछे जखौर मोड़ के पास पहुंचा तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल, एक बुलेट और एक और कोई गाड़ी पर 4 लड़के जा रहे थे और एक बुलेट वाला आगे कर लिया और आगे करके गाड़ी रोक लिया मोटरसाइकिल को और हमारे ड्राइवर को कहा उसने कि तुमको साइड मांग रहे थे तो तुम साइड नहीं देते हो, तुम हीरो हो, या कुछ कुछ करके बदतमीजी किया, गाली गलौज किया। इसने कहा कि हमने कहाँ साइड नहीं दिया, तो वो कमर से पिस्टल निकाल लिया। तो हमारे ड्राइवर ने बहुत ही बुद्धिमता से या तत्परता से अपनी गाड़ी को भगा लिया और उसको मालूम था कि हम भोजडी गांव पहुंचे हैं, तो वो भोजडी गांव की तरफ घुसने लगा मेन रोड से, लेकिन आगे कोई ट्रक सामान अनलोड कर रहा था जिसकी वजह से सड़क सकरा था, तो इसको गाड़ी रोक देनी पड़ी और पीछे से वो दोनों मोटरसाइकिल वाला वहाँ जा करके और पिस्टल के बट से या पत्थर से, ये हमारा ड्राइवर कंफर्म नहीं है, पीछे का शीशा तोड़ दिया और गाली गलौज करते हुए मोटरसाइकिल से ही वो शाहपुर की तरफ निकल लिया। हम लोग थोड़ी दूर पर थे जब जानकारी हुई आए, तो फिर ये सब घटना की जानकारी हमने अरेरी पुलिस क्षेत्र में, वो आता है वो इलाका, हमने उनको लिख के सूचित किया है। अगर सामान्य घटना है रोड पर जो लफुआगिरी आजकल कुछ लड़के करते हैं तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, छोटी मोटी घटना ये सब होते रहती है, लेकिन मैं नियमित रूप से उस गाड़ी से चलता हूँ और मैं उस गाड़ी में नहीं था, मैं आगे की गाड़ी में था और पीछे से अगर निकल गया था तो निकल जाता, गाड़ी रोक के क्यों कहा उसने कि साइड नहीं दिए और ये गाली गलौज किया, बात ख़त्म हो जाती तब पीछे वहाँ जा कर के, तो ये थोड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए। हम भी देख रहे हैं, पुलिस को भी हमने अनुरोध किया है कि आप तहकीकात करिए इसकी, यही इतनी इससे